हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम मिस्टर रस्तानी हैकर। आपका छोटा भाई लेकर पेश है एक और नई वीडियो। भाई सर्दी ने लगा रखी है कसम से, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। भाई दुख होता है यार गाइस, जब हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गाइस समय रात के 10 से 11 बज रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा। प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बस आज यहाँ पे आने का मकसद मैं आपको बता दूँ कि भाई ताज़ा ही घटना है। एक से डेढ़ महीने पहले यहाँ पर एक लाश मिली अधजली, जिसकी की गर्दन गायब थी, गर्दन कटी हुई थी, और वो लाश थी एक लड़की की। गाइस पता नहीं वो लड़की इस जंगल में क्या करना आई थी, क्या हुआ उसके साथ में। घटना में उसकी बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ में। ऐसे उसके साथ में रेप हुआ, रेप करके गला काट दिया और लाश को जला दिया। ऊपर की ओर पहाड़ी पे एक मकान जैसा खंडर बना हुआ है जहाँ पर कि ये घटना घटित हुई, और उसकी जो गर्दन थी वो कुछ ही दूरी पे पानी के अंदर मिली। तो 6 से 7 दिन बाद में उसकी लाश मिली, तो काफ़ी सड़ने लग गई थी, बदबू आने लग गई थी। तो आसपास में कोई व्यक्ति था जिससे कि बदबू आई, तो वो बदबू आने पर जो है आया आगे की ओर, उसे जो है वो गर्दन दिखी, जिसे देखकर वो खुद बेहोश हो गया। तो गाइस कहा यह जाता है कि आज भी जो है यहाँ पर उस लड़की की चीखने की, चिल्लाने की, यहाँ तक कि उसे दौड़ते हुए भी देखा जाता है। यहाँ गाइस बलात्कार हुआ उसके साथ में, उसका मर्डर हुआ, रेप हुआ उसका। हालांकि अभी तक उन हत्यारों का, उन मुजरिमों का पता नहीं पड़ा, क्योंकि ये है बिल्कुल जंगली इलाका। यहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। हाँ दिन में कोई बकरी चराने वाला भूल भरोसे इधर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी है, तालाब है यहाँ पे, तो उस तालाब में जो है बकरियों को पानी पिलाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई CCTV कैमराज या कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जिससे कि मुजरिमों का पता लगा सके। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, और माफ़ी चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है, बट हम फिर भी जो है वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि क्या होता है आज, क्या जो हमने जो सुना है वो सही है या झूठ है, पता नहीं क्या है। बाय गाइस, हम उस बहन के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उसकी आत्मा की शांति दे। और मैं जितने भी मेरे भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार गाइस, किसी अनजान लोगों पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम से भरोसा ना करें, क्योंकि पता नहीं पड़ता कि इंसान के अंदर दिल में क्या चल रहा है। चलिए गाइस, वक्त जाया ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, चलते हैं पहाड़ी पे और देखते हैं कि क्या होता है। और मैं और सोनू भाई, हम दो ही जने आज, तो चलिए चलते बढ़ते आगे की ओर और देखते क्या होता है। ये चट्टान है, इनका रंग जो है बिल्कुल काला है, और चलने में जो काफ़ी तकलीफ होती है। भाई देखो हड्डी है, पता नहीं किस कौन से जानवर की है, बहुत बड़ी हड्डी है यार। हो सकता है किसी गाय भाई को मौत हो गई हो, और उससे किसी कुत्ते बिल्ली ने फाड़ दिया हो। यार
ऊपर 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 पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। और अभी था यहाँ पे कोई कुछ वाइट वाइट सा कैमरे में आया था आपके पास कर कर गाइस। अभी यहाँ पर कोई था बट अभी यहाँ से गायब हो चुका है। जब मैंने सोनू भाई को आवाज दी तब यहाँ से गायब हो चुका है। अभी वो इसी जगह कुछ इसी जगह वो खड़ा था, कुछ था यहाँ पर वाइट वाइट सा, मुझे शायद कोई वाइट कपड़े पहन करके यहाँ पर खड़ा था। अभी गायब हो चुका है यहाँ से इसी जगह। ये रास्ता सीधा जो है उसकी ओर जा रहा है, उस खंडर की ओर ही बढ़ रहा है भाई। जो मैं तालाब की बात कर रहा था वो तालाब इधर ही है, ये नीचे की साइड में जो है तालाब है। और अभी हम जो है पहाड़ी पे खड़ा है और नीचे की साइड में जो खाई है और खाई के अंदर ही जो है तालाब बना हुआ है और उसी में जो है पानी भर रखा है। और यहाँ पर हमने सुना था कि यहाँ से जो है खून के धब्बे धब्बे थे यहाँ पर, क्योंकि भाई एक आवाज़ आ रही है छम 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 भाई, जबकि कुछ आवाज़ आ रही है, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। बट मुझे कब से जो वही आवाज़ भाई जबकि आवाज़ मुझे मेरे कानों तक आ रही है, शायद कैमरे में कैप्चर हो रही हो। बाकी पूरा इलाका आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी हम पहाड़ी पे खड़े हैं, जमीन से समथिंग 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 500-600 मीटर ऊपर है। वो देखो उस दीवार के पीछे हिल रहा है, वो चल रहा है। गाइस देखो भाई, फोकस भाई, लड़की भाई। अभी यहाँ पर कोई था, आपने भी देखा होगा अच्छी तरीके से, इस दीवार के पीछे कुछ यहीं पे खड़ा होकर के जो है इधर से उधर टहल रही थी। और मुझे जहाँ तक नज़र पड़ी वो एक लड़की थी। और जिस जगह की मैं बात कर रहा था खंडर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर खंडर है, खंडर के पास हम बिल्कुल पास में आ चुके हैं बिल्कुल। और वो जो पाइजब की आवाज़ थी वो अब मेरे ख्याल से बंद हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। और भाई अंदर आओ भाई, जिस खंडर की हम बात कर रहे थे वो खंडर बिल्कुल यही वो खंडर है। और मुझे यहाँ से जो है दो खंडर नज़र आ रहे हैं, एक तो ये और एक इससे ऊपर वाला। तो मुझे पता नहीं है कि कौन से खंडर में जो है उस लड़के की लाश मिली थी, अधजली लाश। तो हम जो है दोनों ही खंडर के अंदर चलेंगे, विजिट करेंगे दोनों ही खंडरों के अंदर और देखेंगे कि क्या देखने मिलता है। क्योंकि यार गाइस अब तक जो है हमें जो दिख रहा था वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि
वो कुछ सेकंड के लिए हमारे सामने आता है और जस्ट गायब हो जाता है। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे थे, मैं जब पहाड़ से ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे दिखा बट वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद में अभी जब यहाँ हम यहाँ आए पास में, यहाँ पे खड़ी खड़ी वो जो लड़की थी इधर से उधर टहल रही थी। और एक चीज़ और नोटिस हो रही है यहाँ पर कि जो भाईजब की आवाज़ है ना, वो 2-3 मिनट बाद में बजती है। उस भाईजब की आवाज़ जो है एकदम से आती है और एकदम से गायब हो जाती है। चलते हैं अपन इस खंडर की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यार गाइस अब तक तो कुछ भी सही नहीं हो रहा हमारे साथ में। भाई वो देखो उस खिड़की में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अभी यहाँ पर कोई था भाई, यार देखो यहाँ पर भाई ये पूरा का पूरा खंडहर है, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर भाई। इसके पास में भी एक रूम है भाई, भाई 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 इस पिलर के पीछे उधर करना, उधर करना कोई नहीं, कोई भाई 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 है पूरा। ओ ओ वो देखो ऊपर पिलर के पीछे भाई, चलना 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 भाई। सबसे पहले जगह देखो आप कितनी सुनसान और कितना डरावना डरावनी जगह है गाइस यार ये भाई। यार वो जो वो लड़की है वो बार बार गायब कहाँ हो रही है यार गाइस। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है उर्दू में, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर उर्दू में। दो कमरे मुझे यहाँ से जो है नजर आ रहे हैं, अंदर चले एक बार। हाँ सोनू भाई मुझे तो ये जगह देखकर ही डर लग रहा है यार, उस लड़की के साथ में क्या होगा होगा यार, और वो कैसे आ गई यहाँ पे। सच में उस लड़की के साथ में बहुत बुरा हुआ भाई, न जाने
भाई ना जाने वो लड़की किस तरीके से उन दरिंदों के चक्कर में आ गई, उनके जंगलों में फंस गई और यहाँ पर आकर उसने अपनी जान जान गंवा दी, और न जाने उसके साथ में कितना बुरा हुआ। भाई ये जगह सच में, भाई उधर क्या है देखना आगे है? क्या है भाई? ये क्या है भाई यार? भाई निकल, भाई बहुत खराब जगह है भाई यार, बहुत डेंजर जगह। भाई यार निकल रहे यहाँ से यार, घबराहट हो रही है अब तो भयंकर। भाई वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की। कैमरा बंद कर रहा हूँ भाई मैं।